हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी अलग ही होने वाली है, ठीक है। आज इसे आप ट्रिब्यूट कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि इसमें स्केच से ज़्यादा इसे आप कह सकते हो डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंसान जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, पता है हमारी लाइफ इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, बट जिस तरह से वो गया ना, शायद ये इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो हर एक इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए इसके बारे में, इसकी डेथ को लेकर के, क्योंकि इस साल पहले भी डेथ हो चुकी है इरफान खान सर और ऋषि कपूर सर और वाजिद सर और भी हैं, बट उन लोगों के लिए शायद कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर हो चुके थे, क्योंकि कब वो लोग काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। बट ये सुशांत सिंह राजपूत की डेथ सडनली जैसे हुई है ना, रियली ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि स्केच के लिए नहीं बोल रहे हैं बट डिस्कशन के लिए बोल रहे हैं। लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए और जानना भी चाहिए और खुद में एनालाइज करना चाहिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है, अपने भाई बहन के लिए डिस्कशन ज़रूरी है। एक्चुअली ना ये स्केच हम बनाने नहीं वाले थे, ठीक है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें बोलने के लिए, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती करने के लिए। परसों ही जैसे सुशांत की डेथ हुई, आप लोग को पता ही होगा सुशांत को बॉलीवुड में किसी से बिलोंग नहीं करता था, वो एक आउटसाइडर था। उसके रेत का चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है, जो भी रीज़न हो, बट उसमें से एक नेपोटिज्म सबसे बड़ा रीज़न था। नेपोटिज्म का मतलब तो समझते ही होगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। वो होता है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, स्टार का बेटा स्टार बनेगा, बस वही सेम केस। लोगों को लग रहा था कि ये तो एक आउटसाइडर है, ठीक है, हमारा बनाया हुआ पहचान ये कैसे ले सकता है। आप सुशांत की पिछली कुछ ट्वीट्स और इंटरव्यूज भी देख सकते हो, जो उसमें साफ दिखता है यार, वो कितना सबर कर रहा था, ठीक है। जब उसको धोनी जैसे मूवी करने के बाद भी लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि गाइस प्लीज मेरी मूवीज देखा करो, वरना ये बॉलीवुड के लोग मुझे इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे, तो सोच सकते हो आप वो कितना डिप्रेशन था। हमारा क्या है, हम तो कह देंगे कि वो सुसाइड किया, गलत किया, उस दिलों वाला काम किया, बट हम नहीं जान सकते उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, नहीं जान सकते, बिल्कुल भी नहीं जान सकते। पता नहीं कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेस, कितने सारे बड़े लेवल्स और ब्रांड्स जो कि सुशांत को बॉयकॉट कर चुके थे, ठीक है। तो देखो, सुशांत कोई नया नहीं था, ठीक है, आप एग्जाम्पल मेरे को, ब्रॉय को, अरिजीत सिंह को और भी किसी को ले सकते हो, ठीक है, आप खुद देख सकते हो। उस टाइम तो हम सब ने बड़े मज़े लिए थे, और आप हम सभी ने, और आप खुद ही देख सकते हो विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग क्या है, वो कैसा एक्टिंग करता है, या अरिजीत सिंह वो कैसा सिंगिंग करता है, ठीक है, आप खुद से एनालाइज करो। मेरे हिसाब से क्या है ना, बॉलीवुड में आप सर्वाइव करने के लिए आपको उनके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो उनको सूट करे वैसा करो, नहीं करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ों से बैन कर दिया जाएगा। पता नहीं यार बॉलीवुड कब तक ऐसा करता रहेगा, पता नहीं। और लोग डिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे, डिप्रेशन जो है ना एक जहर है यार, जहर, इसे ना जाने कितनी यूथ सफ़र कर रहे हैं,
पता नहीं डिप्रेशन मुझे तो नहीं आता, बट जितना समझ में आता है लोग घंटों खुद के थॉट्स में डूबे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या होता रहता है, बट थिंकिंग थिंकिंग ओवर थिंकिंग, इसके बारे में तो बात करना तो बनता ही है, क्योंकि हम सभी नहीं चाहते हैं आज कि हमारे किसी भी क्लोज के हम मानस फैमिली रिलेटिव और भी जिससे हम प्यार करते हैं किसी के साथ भी ऐसा ना हो, हम सभी चाहते हैं, तो इसके बारे में तो एनालाइज करना बनता है। किसान एक एक्टर था बहुत ही टैलेंटेड, उसके जैसे और भी एक्टर आए हुए, लेकिन जिस तरह से हो गया है, जिस तरह से उसकी डेथ हुई है, ये बहुत बड़ी सीख दे के गया है हमें, ठीक है। उसके बारे में सोचो गाइस, उसके बारे में सोचना तो बनता है। आपने उसकी पिछली मूवी छिछोरे तो देखी ही होगी, इसमें उसने एक लाइन कहा था कि चाहे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, सुसाइड किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है, बट आप देख सकते हो खुद के साथ उसने क्या किया। जाते जाते सुशांत के लिए कुछ लाइंस, ठीक है, ये मेरे लाइंस तो नहीं है बट लाइन काफ़ी अच्छा है। तो अलविदा सुशांत सिंह राजपूत, तुम बहुत याद आओगे, पर्दों पर किरदारों को जिंदगी देने वाला खुद जिंदगी से जुदा हो गया, ऊपर वाले तेरे किताब का एक और पन्ना आज गुमशुदा हो गया। कल ही तो माही की टीवी पर आ रही थी, 3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और आज ये खबर आई कि वो माही की तरह शॉट लगाने वाला जिंदगी को अलविदा कह के चला गया। कभी कभी लगती है ना ये जिंदगी इतनी आसान दिखती है ना, उतनी आसान है नहीं। ऊपर का खांचा सबको मुस्कुराता हुआ दिखता है, अंदर किसके क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अब ना जाने ये साल और क्या क्या दिखाएगा, किताब को संभाल के रखना ऊपर वाले, क्योंकि अब एक और भी पन्ना खोया तो सहा नहीं जाएगा, पर्दे पर किरदारों को जिंदगी देने वाला खुद जिंदगी से जुदा हो गया, ऊपर वाले तेरी किताब का एक और पन्ना गुमशुदा हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, तुम बहुत याद आओगे, वी विल मिस यू, ऑलवेज मिस यू। थैंक यू गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके जो घंटा होता है उसे भी दबा देना। तब तक के लिए बाय।